जय श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण। मेरे भक्ति सागर चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। इस वीडियो को पूरा देखना, भक्त लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय श्रीमन्नारायण। आप सभी भक्तों ने मेरी पिछली वीडियो में कार्तिक मास का 13वां अध्याय सुना। इस वीडियो में कार्तिक मास का 14 अध्याय व्रत कथा। कार्तिक मास की 14 अध्याय की व्रत कथा। कार्तिक मास के 14वें अध्याय में नारद जी जलंधर को कैलाश पर्वत पर मौजूद खजाने के बारे में बताते हैं और माता पार्वती की सुंदरता के बारे में भी वर्णन करते हैं। साथ ही जलंधर से कहते हैं कि महादेव जी अतिरिक्त कोई दूसरा त्रिलोक में समृद्धशाली नहीं है। व्रत कथा प्रारंभ। श्री नारद जी बोले, हे राजन, उस भक्तिमान त्रिलोक के स्वामी देवेंद्र जलंधर के विविधवत हमारी पूजा की और हंसकर हाथ जोड़कर स्नेह पूर्वक वह बोला, हे देवर्षि, आप इस समय कहाँ से आ रहे हैं? आपने कहाँ क्या देखा? जिस उद्देश्य से आप यहाँ आए हैं उसे आज्ञा दीजिए। नारद जी ने कहा कि देवराज में योगी घूमता हुआ कैलाश पर्वत पर जा रहा हूँ। वहाँ पार्वती जी के साथ बैठे हुए शिव जी को देखा। वहाँ 10,000 योजन के विस्तार में कल्प वृक्ष का भारी जंगल था। वह महान वन सैकड़ों कामधेनु गौओं से युक्त था, जिसमें कैलाश पर्वत चिंतामणि के समान दैप्तिमान हो रहा था। ये दृश्य देखकर मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ और विस्मय हुआ और चित्त में ये संकल्प विकल्प होने लगा कि ऐसी संपत्ति तीनों लोकों में से और कहीं नहीं या नहीं। ये दैत्यराज, उसी समय तुम्हारी संपत्ति का स्मरण मुझे हो गया, उसी को देखने के लिए मैं आपके समीप आज यहाँ आया हूँ। स्त्री के बिना तुम्हारी ये संपत्ति देखकर भी मैं इसी निष्कर्ष पर हूँ कि महादेव जी के अतिरिक्त कोई दूसरा त्रिलोक में समृद्धशाली नहीं है। यद्यपि तुम्हारे वश में अनेक अप्सराएं तथा नाग कन्याएं हैं तथा उनमें कोई भी पार्वती की भांति रूपवती नहीं है। प्राचीन काल में जब पार्वती के सौंदर्य रूपी समुद्र में डूबकर ब्रह्मा जी का भी वीरपात हो गया था, तब भला उनके सौंदर्य की उपमा किसने दी जा सकेगी? जिस मत्स्य रूपुड़ी पार्वती ने विरागी और कामदेव के शत्रु होने का पर शिवजी को सरलतापूर्वक अपनी सुंदरता रूप विकराल कीचड़ में फंसाकर शिवजी को नाच नचाया था। स्त्रियों की सृष्टि करते समय विधाता ने जिसके रूप लावण्य का बारंबार निरीक्षण करके अप्सराओं की रचना की थी, फिर भी उनके समान एक भी अप्सरा न बन सकी। अतः स्त्री रूपी रत्न भोग करने वाले शिवजी की वह समृद्धि सर्वश्रेष्ठ है। हे दैत्यराज, सब रत्नों के स्वामी होने पर भी तुम्हारे पास वह समृद्धि नहीं है। ऐसा कहकर तथा उससे परामर्श करके मेरे लौट आने के बाद वह पार्वती के रूप का वर्णन सुनकर काम ज्वर से पीड़ित हो गया। कार्तिक मास का 14 अध्याय समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण राधे राधे।